उत्तर प्रदेश राज्यात सक्रिय राजकारणी राहिलेले तसेच अपना दल या राजकीय पक्षाचे संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल यांचा पुण्यतिथी कार्यक्रम गुरुवारी पनवेलमधील विरूपाक्ष मंगल कार्यालयात झाला. या कार्यक्रमाला केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली असून त्यांनी डॉक्टर सोनेलाल पटेल यांना अभिवादन केले. यावेळी भारतीय जनता पार्टीचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी, कार्यक्रमाचे संयोजक डॉक्टर सुभाष सिंह, सहसंयोजक डॉक्टर अशोक सिंह, ब्रिजेश पटेल यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. डॉक्टर सोनेलाल पटेल हे लहानपणापासूनच समाजात प्रचलित असलेल्या जातीवाद आणि सामाजिक विषमतेचे जोरदार टीकाकार होते. त्यांनी सामाजिक न्याय आणि समतेचा पुरस्कार केला. त्यांनी जातीवादाचा कट्टर विरोध केला आणि सामाजिक विषमतेविरुद्ध लढा दिला. 2009 साली त्यांचे अपघातात निधन झाले. शेतकरी शोषितांच्यासाठी त्यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये मोठे कार्य उभारले होते. त्यांना पनवेलमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमातून अभिवादन करण्यात आले. डॉक्टर साहब ने अपने जीवन काल में तथागत गौतम बुद्ध के बताए मार्ग को अंगीकार किया. उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था और जब उनके जीवन लीला का अंत हुआ तब भी वो भगवान बुद्ध की शरण में ही गए. और भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं कभी नहीं देखता क्या किया जा चुका है, मैं केवल देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है. कि अपना दल ने कितना संघर्ष कर लिया उसे भूल जाओ, लेकिन अभी भी क्या किया जाना बाकी है उसे याद रखो. इस देश के दबे कुचले वर्गों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए शासन सत्ता से लेकर न्यायपालिका, मीडिया, हर जगह उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमें संघर्ष की लंबी यात्रा को भी तय करना है और अपना दल उसी रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ रहा है. मैं आज आप सबके बीच उन्हें पुनः स्मरण करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं. आज का दिन हमारे लिए खास दिन है, जबकि अपने पिता के राजनीति विरासत संभालते हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 2012 में कदम किया, उसके बाद दो बार सांसद के रूप में दिल्ली में कार्यरत रही और हमारे नेता 16 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उस सरकार में 16 से 19 तक मंत्री रही और सबसे युवा मंत्री हमारे नेता रही है. और जो 16 से 19 तक जो काम किया है उसमें फिर से 19 में चुनने के बाद मोदी जी ने फिर से उनको फिर से मंत्री बनाया है. तो ऐसे हमारे नेता जो पूरे देश में अपने पार्टी की धुरा संभाल रही है, अपने देश की धुरा संभाल रही है, ऐसे हमारी नेता को हम प्रणाम करते हैं.